दीदियों, आज भारत का स्वतंत्रता दिवस है। इस शुभ अवसर पर आप सबको हार्दिक बधाई देता हूं, शुभकामनाएं, मंगल कामनाएं। दिव्य सज्जनों, बच्चों, अमृतवाणी पाठ के बाद जब आप धुनें बोलते हो, ताली तो जरूर बजाओ लेकिन सुर ताल में रहो। पास बैठे हुए कोई बच्चा कोई बेसुरा ताली बजा रहा है तो उसे रोकिएगा, ये सेवा है। जिसको रोका जा रहा है मेहरबानी करके वो बुरा भी न माने। स्पष्ट है कि उसकी ताली बेसुरी थी इसीलिए रोका गया है। संभव है दिव्य सचियों में अभी थोड़ी देर में प्रस्थान करूंगा, निर्भर करता है मौसम पर। जैसी ही सूचना मिलेगी तो मैं कुल्लू के लिए निकल पड़ूंगा, फिर वहां से दिल्ली। इतने दिन कर्मयोग की चर्चा चली है, आज भक्तजनों इस कर्मयोग का प्रैक्टिकल रूप देखते हैं, क्रियात्मक रूप जो हम सबको समझना चाहिए, जो हमें जीवन में उतारना चाहिए, जो जीवन में उतारने योग्य है। भले बनो और भला करो, बी गुड एंड डू गुड। अध्यापक लोग अच्छा लगे तो पाठशाला के कमरों में लिख के लगा सकते हैं ताकि बच्चों को निरंतर याद रहे हमें क्या करना है, क्या बनना है। बी गुड डू गुड, भले बनो भला करो। बेटा बिना भले बने आप भला कर नहीं सकोगे, सो पहली बात हर एक को भला बनना है। आपके पास राम नाम का बल है, परमेश्वर आपका मार्गदर्शक है, तो कोई कारण नहीं दिखाई देता कि हम भले क्यों ना बन सकें। आप अपने अपने जीवन को देखिएगा, आज से 10 साल पहले, 15 साल पहले जब आपने राम नाम की दीक्षा नहीं ली थी, उस जीवन को और आज के जीवन को देखिए तो आपको दोनों जीवनों में जमीन आसमान का अंतर लगेगा। ऐसी देवियां थी जो कहा करती थी रात को अपने पति को कहीं से ढूंढ के लाना पड़ता है, न जाने कहां उल्टे मुंह वह पड़ा हुआ होगा। वे सारे के सारे घर जो किसी वक्त उजड़े हुए समझे जाते थे आबाद हो गए हैं। तो कैसे हुआ भले बनने से? तो पहले भला बनिएगा, फिर ही आप भला कर सकोगे। बिना भले बने जो आपके पास चीज है ही नहीं, बांटोगे कहां से? आप बेटा मेरी तरफ देखो, सुख बांटना चाहते हो, आपके मन में बड़ी इच्छा है कि मैं दूसरों को सुख बांटू, तो पहले आपके पास सुख होना चाहिए तो ही बांटोगे ना। आपके मन में ये भी इच्छा है कि आप धन बांटो, धन आपके पास है ही नहीं तो बांटोगे क्या? तो पहले धन आपको अर्जित करना पड़ेगा, इकट्ठा करना पड़ेगा, तो फिर उस धन में से औरों को बांटा जा सकता है। भला तभी कर सकोगे ना जब आप स्वयं पहले भले बन गए। तो कर्मयोग की क्रियात्मक साधना भले बनो और भला कर। एक भला कर्म देवियों सज्जनों किया हुआ शास्त्र कहता है, न जाने आपके कितने कुसंस्कारों को, कितने पापों को जला के रख कर देता है। ये परमेश्वर का नियम है, परमेश्वर कर्म सिद्धांत में हस्तक्षेप नहीं करता, लेकिन जहां वे करना चाहें उसका विधान उससे बड़ा नहीं है, कर्म सिद्धांत उससे बड़ा नहीं है।
लेकिन जहां उसे लगे कि किसी ने कोई पुण्य कर्म किया है, कोई भला कर्म किया है, तो वह बागडोर अपने हाथ में ले लेता है। वह कर्म सिद्धांत तक उसको सीमित नहीं रखता, वह अपने हाथ में लेके तो उसका आगे का काम करता है। ये परमात्मा ही कर सकता है, ये यमराज नहीं कर सकता, ये विधाता नहीं कर सकता, ये परमात्मा ही कर सकता है। क्षमा परमात्मा के हाथ में है, पापों को नाश करना, भस्म करना, जलाना, ये सब परमात्मा के अपने हाथ में है। जज तो सजा दे सकता है, मजिस्ट्रेट सजा दे सकता है, माफ तो सिर्फ राष्ट्रपति ही कर सकता है। ठीक इसी प्रकार से क्षमा परमेश्वर ने अपने हाथ में रखी हुई है। जो मुझे अप्रोच करेगा, जो मेरे से क्षमा की याचना करेगा, न जाने एक बार की क्षमा मांगने से मैं कितने जन्म जन्मांतरों के उसके पाप ताप सब क्षमा कर दूंगा। ये परमेश्वर ने अपने हाथ रखा हुआ है। एक उदाहरण देखो, काशी में विश्वनाथ भगवान का बहुत प्रसिद्ध मंदिर है, लोग जाते भगवान शिव का मंदिर। आज वहां के मंदिर को भगवान विश्वनाथ का मंदिर कहा जाता है। भगवान शिवरात्रि का दिन है आज, भगवान शिव पार्वती वहां का मेला देखने के लिए गए हैं। कैसा सब हो रहा है, मां पार्वती ने भगवान शिव से प्रश्न किया, प्रभु ये इतने लोग गंगा जी से जल भर के तो रुद्राभिषेक करते हैं, भगवान शिव को यहां आके अर्पित करते हैं, क्या इनको मानसरोवर की यात्रा का फल मिलता है? मां भगवती का ये प्रश्न भगवान शिव से। भगवान शिव कहते हैं, अरे पार्वती तू बहुत सीधी है, बहुत भोले है, सब मेला देखने वाले हैं, क्या फल मिलना है? आते हैं, अपना पिकनिक जैसे होती है, मना के चले जाते हैं। किसी के मन में इस प्रकार की श्रद्धा विश्वास नहीं है। मां जिद करती है, नहीं सभी तो ऐसे नहीं हो सकते, देखो लाखों की संख्या में लोग आए हुए हैं। अरे नहीं, ऐसे ही है सब, कोई प्यार से, श्रद्धा से, विश्वास से यह आया हुआ हो, ये सब कुछ करने के लिए ऐसा देखने में तुम्हें नहीं मिलेगा। मैं नहीं मानती। ठीक बात है, अच्छी बात है। मां पार्वती एक वृद्धा बन गई है और भगवान शिव कोड़ी बन गए, तो अपना सिर मां भगवती की गोद में रखे हुए हैं। भगवान विश्वनाथ के मुख्य द्वार पर बैठे हैं। मां भगवती कह रही है, लोग आ रहे हैं एक के बाद एक, लंबी लंबी पंक्तियां लगी हुई हैं, लोग अंदर गंगा जी से जल के लोटे भर के ला रहे हैं और अंदर भगवान विश्वनाथ मंदिर में भीतर प्रवेश कर रहे हैं एक एक करके, बड़ी भीड़ लगती है। मां पार्वती एक ही बात कहती है, कहती है, बंधुओं मेरा पति बहुत बीमार है, न जाने किस वक्त चल बसे, ऐसे से रखा हुआ है। मां ने भगवान शिव का गोदी में एक वृद्धा ने वृद्ध का सिर रखा हुआ है, ये मरने को तैयार है, प्यासा है, इसे पानी चाहिए, मैं उठ के जा नहीं सकती, मेरे पीछे से ही ये प्राण त्याग देगा, कोई मेहरबानी करके मुझे दो घूंट पानी दे तो मैं इसके मुख में डालू तो इसकी प्यास मुझे, नहीं तो ये प्यासा ही मर जाएगा। किसी ने सुनी नहीं, एक के बाद एक टेबल पे जा रहे हैं, एक के बाद एक।